और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अतीक अहमद के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जी हां, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बता रहे हैं। अतीक अहमद जो कि माफिया है, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गैंग से जुड़े दो और शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 9 हथियारों के साथ 80 लाख बरामद किए हैं। इसके ठिकानों से गिरफ्तार शख्स हत्याकांड में शामिल शूटर के संपर्क में था। चकिया मैथिक के दफ्तर से हथियार और कैश मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जहां पर अतीक के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो वहीं अब तक अतीक से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, बुलडोजर चला है। अब फिलहाल जानकारी मिल रही है कि गैंग से जुड़े दो और शख्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चकिया में अतीक के दफ्तर से हथियार और कैश मिला है। 9 हथियार ये बताए जा रहे हैं, 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार शख्स हैं वो हत्याकांड में शामिल शूटर के संपर्क में बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक पूरा मामला। अतीक अहमद के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है। तो माफिया अतीक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक उसके कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। फिलहाल गैंग से जुड़े दो और शख्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 9 हथियारों के साथ 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार जो शख्स हैं वो हत्याकांड में शामिल शूटर के संपर्क में बताया जा रहा है।